तो नमस्कार भैया, क्या हालचाल है आप सभी का। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है। आप लिटरली विश्वास नहीं करोगे ये टाइम क्या हो रहा है। पता है, ये देख रहे हो आप, आपको रिवर्स दिखेगा तो आपको बता दूं, ये 6 बज रहा है फिलहाल। इस समय शाम का 6 बज रहा है, सुबह का नहीं है। ये मैं सोच रहा हूं सुबह का भाई साहब, इतना दिन खराब भाई, इतनी गर्मी की भाई साहब, पूरा दिन केवल बेड पे आराम करते बीता है और सोते सोते ही बीता है। हाँ तो भैया, अब आज नवरात्रि, तो आपको, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की, और आप सभी को शुभ नवरात्रि, और माता रानी आपके घर पे आपके दुखों को कम करें और आपके घरों पे कृपा करें और आपकी रक्षा करें, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि लाएं और आपकी मदद करें। और आप सब लोग भी हमारे लिए भी प्रे करो कि ताकि हम लोग भी तंदुरुस्त रहे और सब कुछ बिल्कुल अच्छे से काम कर सके। तो खैर, आज का दिन जो है बिल्कुल लेट शुरू हुआ है, कोई बात नहीं, 6 बज रहा है अभी, और जैसे से होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भैया अभी भी होकर के आ रहे हैं दुकान से। भैया मतलब इतनी भीड़ लगी थी, इसका कोई जवाब नहीं। और साथ में वहां पे भैया व्लॉग करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इतनी धक्का मुक्की, इतनी मारामारी हो रही, गाड़ी खड़ा करने की जगह भी नहीं थी। तो ये हुआ कि भैया घर चलो, घर पे चल के बात करते हैं। तो आप सुन सकते हो मेरी जुबानी, और आज का व्लॉग बस इतना ही होगा, क्योंकि और ज्यादा शूट करने की मेरा मन नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज, आजकल के व्लॉग भी ऐसे ही आ रहे होंगे थोड़े अनवांटेड से। खैर कोई नहीं, समय आएगा तब फुल फ्लैश शूट करेंगे, जब कहीं जाना होगा अच्छा लगता है तब नया। जैसे अब सोचो कि हर कोई फ्लाइंग बीस्ट बन जाए तो कैसे होगा, हर कोई फ्लाइंग बीस्ट नहीं बन सकता है। और सौरभ जोशी भी थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा प्यार लगता है। प्यार तो आप लोग देते नहीं हो, कमेंट ही नहीं, कमेंट वमेंट कर दें। हाँ ये है कि एक बंदा है जो मेरी वीडियो को देखता भी है, उस पर एक लाइक भी दे करके जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी आता है कि हाँ वो कितना प्यार करता है। चलो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भैया धूप के तो क्या ही कहते हैं यार, मतलब चाहे कोई भी टाइम हो यार, ये धूप यहाँ से जा ही नहीं रही है, गजब का धूप है। ये भरो वो इलेक्ट्रॉनिक अंडरग्राउंड फॉल्ट हो गया है। फॉल्ट हो गया है कि वो हो गया है खराब हो गया का पहली बार हुआ कि आदमी लेके निकला है और फिर पता चल रहा है कि वो नोटर में नहीं है। और भैया हमारा भी सब बढ़िया है। ये सामान सारा हो गया, ये स्कैन करना था, ये रहा क्या। भाई साहब जल्दी जल्दी के चक्कर में, मतलब पैसा निकालने के चक्कर में अंधेरा था, तो अंधेरे में से निकालते निकालते में 100 की नोट निकल गई, ऐसे लगा कि 500 की है, पर जब वहां पहुंचे तो पता चला 100 रुपए की नोट थी। और जब 100 रुपए की नोट निकाले तो कह रहा है कि तो ये 100 रुपए की, तो फिर वहां से फिर बाकी उसको पैसा UPI करना पड़ा। ये है कि UPI बहुत बढ़िया चीज है, टैक्स उसको मोबाइल निकाल के स्कैन करो, कम खर्चा है।